नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये चने की भाजी। जो मैंने बताया था कि ये काहे की भाजी है, तो ये चने की भाजी को सुधारते कैसे हैं वो मैंने सुधार के रखी थी। तो आज मैं ये चने की भाजी बना रही हूँ आलू के साथ में। तो ये चने की भाजी को धो लिया है मैंने और आलू को भी अच्छे से धो के रखे है। इसमें मैंने ये चने की भाजी में मैंने एक आलू बड़ा आलू लिया है और ये मैंने इसमें यहाँ पर 2 चम्मच मूंगफली का तेल रखा है। आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं क्योंकि अभी ठंड है तो अच्छा रहता है डालना। अब चलिए, अब हम बनाते हैं आलू चने की भाजी। ये हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें मैं राई डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा मैंने जीरा डाला, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये थोड़ी सी हींग डाली है और अब मैं इसमें आलू डालती हूँ। और इसको ऐसे मिला देते हैं और अब मैं ये डाल रही हूँ भाजी। ये आलू के ऊपर ही मैं भाजी डाली है और बिल्कुल धीमी आंच करके इसको पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। ये नमक डाल दिया मैंने हल्का सा, नमक डाला है। भाजी में वैसे नमक कम डलता है क्योंकि चने की भाजी में भी थोड़ा नमक रहता है प्राकृतिक। और इसमें मैंने ये डाल दिया अदरक का पेस्ट और एक हरी मिर्ची। अब इसको ढक के पकाएंगे। अब मैंने इसको ढक दिया है और इसको बिल्कुल भी हिलाया नहीं है। आलू डाल के ऊपर से भाजी डाल दी है तो ये भाजी जो है प्राकृतिक रूप से अपना पानी छोड़ेगी तो आलू पक जाएंगे, ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब 10 या 15 मिनट में हमारे आलू जब पक जाएंगे तब हम इसको देखेंगे खोल के। अब ये हमारी सब्जी हम उगाड़ के देखते हैं। हमने आग बिल्कुल धीमी कर दी थी और ये देखिए इसमें पानी छूट गया है इसका और ये आलू भी हमारे पक गए हैं। ये देखिए आलू पक गए हैं। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आलू की सब्जी में आलू के साथ अगर कोई भी भाजी बनाए तो ऊपर से पानी नहीं डालना चाहिए। भाजी स्वयं ही पानी छोड़ देती है तो वो उसका स्वाद कुछ अलग ही आता है और अच्छी लगती है भाजी। अब हमारी ये चने की भाजी और आलू की सब्जी तैयार है। हमने नमक तो पहले ही डाल दिया था, अब इसमें हम थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे और बस हमारी ये सब्जी तैयार है। आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं और हरी मिर्च बहुत वैसी है तो इसलिए मैंने एक हरी मिर्च डाली है क्योंकि ये बहुत तीखी है हरी मिर्च। अब ये हमारी आलू की चना की भाजी और आलू की सब्जी ये तैयार है। ये देखिए और इसमें से खूब सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। बस इसमें अदरक थोड़ा ज़्यादा डलता है तो अदरक का स्वाद बहुत अच्छा आता है इसके साथ। और आप इसको पूरी पराठे और इसके साथ खाइए, ये बहुत अच्छी लगेगी। अब मैंने आँच को थोड़ा तेज कर दिया, जब उसको पकाया था तब आँच बिल्कुल धीमी कर दी थी। और ये देखिए हमारी ये आलू की सब्जी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं इसको 2 मिनट ऐसे भून के और फिर गैस बंद कर दूंगी। ये देखिए ये अब भून गई है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब हम इसको प्याले में निकाल लेते हैं। इसमें बस इसकी टिप्स यही है कि इसमें अदरक थोड़ा ज़्यादा डालिए और मिर्ची तो आप अपने हिसाब से जैसी आप खाते हो उस हिसाब से डालिए और इसमें थोड़ी हींग भी अच्छी डलती है
और ऊपर से पानी नहीं डलता क्योंकि भाजी स्वयं पानी छोड़ देती है। तो ये देखिए हमारी आलू मेथी सॉरी चने की भाजी और आलू की सब्जी हमारी तैयार हो गई। ये हमारी सब्जी तैयार है। तो यदि आपको मेरा ये चने की भाजी और आलू के संग आलू की सब्जी आलू और चने की भाजी की सब्जी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।